हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। अपडेट आप दे सकते हैं, खबर भी आ रही है। 22 अक्टूबर 2024 मंगलवार को अपराह्न 5 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्रवाई मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता में की है, और किस किस को स्वीकृति मिली है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कुल 25 एजेंडों पर जो है मुहर लग चुकी है। कृषि विभाग, गृह विभाग आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और यहाँ पे देख सकते हैं योजना विकास विभाग आप देख सकते हैं, गृह विभाग, योजना विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग और पथ निर्माण विभाग आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर 25 एजेंडों पर जो है वो मुहर लग चुकी है। लेकिन आज हम सभी को इंतजार था कि शिक्षकों के डीए को लेकर, जो डीए में बढ़ोतरी की बात कही जा रही थी और तमाम मुद्दे पे जो बात जो है वो कही जा रही थी, लिखा है गृह विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है। तो स्पष्ट रूप से पूरी अपडेट मैं आपको पहुँचा रहा हूँ यहाँ पे। और देखिए एक खबर और आ रही है कि बिहार के विद्यालयों में दीपावली और छठ पूजा की, आप देखते हैं, छुट्टी का मामला जो है वो काफ़ी गर्मा रहा है। तो बिहार के विद्यालयों में दीपावली और छठ पूजा में छुट्टी का मुद्दा गर्माया। शिक्षकों का रोष देखते हुए पक्ष और प्रतिपक्ष के नेताओं ने अपना बयान देना शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग तक पहुंची चिट्ठी का मामला, एसीएस सिद्धार्थ ने लिया संज्ञान। शिक्षा विभाग आज से कल तक में छुट्टी को लेकर करेगा बैठक, ये बात कही जा रही है कि छुट्टी को लेकर बैठक भी की जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि शिक्षा विभाग आज से कल तक छुट्टी को लेकर बैठक कर सकती है, और यहाँ पे लिखता है कि शिक्षकों का रोष देखते हुए पक्ष और प्रतिपक्ष के नेताओं ने अपना अपना बयान जो है देना शुरू किया है। शिक्षा विभाग तक पहुंचा चिट्ठी का मामला, छुट्टी का मामला देख सकते हैं, एसीएस सिद्धार्थ ने लिया संज्ञान। शिक्षा विभाग आज से कल तक में छुट्टी को लेकर करेगा बैठक, ये बात कही जा रही है। और शिक्षा विभाग आज से कल तक की छुट्टी को लेकर बैठक करने की बात कर रहा है। शिक्षा विभाग से छठ और दीपावली की पुरानी छुट्टियों को लागू करने का शिक्षकों ने मांग किया है। तो एसीएसएस सिद्धार्थ ने कहीं ना कहीं मामला को संज्ञान में ले लिया है, और सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो जल्द बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो बिहार के विद्यालयों में दीपावली और छठ पूजा की छुट्टी को बढ़ोतरी को लेकर ये बात कही जा रही है। 10 दिन का कहा जा रहा है कि अतिरिक्त अवकाश जो है वो दिया जाएगा शिक्षकों को। ऐसे में एसीएसएस सिद्धार्थ जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं और बता सकते हैं क्या कुछ अब आगे होने वाला है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि TRE-4 में शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में डोमोसाइल नीति पूर्व रूपेण पूर्ण रूपेण लागू करवाने के संबंध में देख सकते हैं, यहाँ पे एक पत्र आ चुका है। अवर सचिव देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा सुनील कुमार तिवारी, आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे, और स्पष्ट रूप से यहाँ पे डेट भी डाली गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 21/10/2024 आज की डेट पड़ी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अवर सचिव ने यह कह दिया है कि TRE-4 में शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में डोमोसाइल नीति पूर्ण रूपेण लागू करवाने के संबंध में आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर कर दी गई। जैसा कि आपने देखा होगा कि बिहार में बाहर के अभ्यर्थी भी आ रहे थे, और ऐसे में ये बात क्लियर हो चुकी है कि अब जो बाहर के अभ्यर्थी हैं वो नहीं आएंगे। यानी कह सकते हैं कि भाई उपरोक्त विषय श्री धीरज कुमार द्वारा प्राप्त आवेदन के संबंध में करना चाहेंगे कि उक्त परीक्षा में डोमिसाइल नीति का निर्धारण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधी विज्ञापन का प्रकाशन विभाग से प्राप्त याचना के आलोक में किया जाता है। तो देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग को एक पत्र के माध्यम से ये भी कह दिया गया है कि भाई जो है आपका ये क्या कहते हैं कि जो डोमोसाइल है वो भी अब हमें लागू करवाना है, क्योंकि बाहर के अभ्यर्थियों के आने से सीटें लगातार भरती जा रही हैं। ऐसे में बिहार के अभ्यर्थियों को बिहार में ही नौकरी मिले, ये बात भी जो है यहाँ पे मांगी जा रही है, कही जा रही है, आप देख सकते हैं। तो मुद्दा काफ़ी गंभीर है, आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कैबिनेट की बैठक भी आज हुई है, और शिक्षा विभाग के लिए तो कुछ नहीं रहा, शिक्षकों के लिए कुछ नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एस सिद्धार्थ जो है वो बड़ा फैसला ले सकते हैं शिक्षकों के लिए, और विभाग जो है वो कल एक मीटिंग भी कर सकती है। जैसे लिखा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि छुट्टी को लेकर करेगा शिक्षा विभाग आज से कल तक, यानी कि आज भी और कल के बीच में जो मीटिंग जो है वो व्यापक रूप में हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।